नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी अपडेट में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त विजय। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हर महीने 2 से 4 एंड्रॉयड सेट आ जाते हैं जो कि हमारे जीवन में ये खरीदे हैं, फिर ये खरीदे हैं, फिर ये खरीदे हैं, मिला जुला के एक हलचल पैदा कर देती है। जी हाँ दोस्तों, ये आप सही सुन रहे हैं। इस वीडियो में इसी पर कुछ जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि अक्टूबर में कौन सा मोबाइल लॉन्च होने वाला है, आपके लिए बेटर क्या है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप हमारे वीडियो पे बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इस बेल बटन को दबा दें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे या मोबाइल कोई पसंद आ जाए तो उस मोबाइल का नाम रख के कमेंट कर दे प्यारा सा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर महीने 2 से 4 नए मॉडल आ जाते हैं, कभी सीरीज आते हैं तो कभी प्रो आते हैं, कभी कुछ आते हैं, कभी कुछ आते हैं। अगर आदमी एक मोबाइल अभी खरीद लेता है और फिर दूसरे मोबाइल के इंतज़ार में रहता है, तब तक 5 या 10 दिन बाद उससे बेहतर मॉडल निकाल दिया जाता है और ये मोबाइल को डाउन कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जीवन का एक चक्र के तरह चल रहा है। एक से एक यानी एक मोबाइल आप ले रहे हैं तो उसको हर मोबाइल के साथ अगर आप चाहते हैं एक्सचेंज करना तो करते हैं। आखिर ये होता क्यों है, ये हम आपको बता देते हैं। क्योंकि हर एंड्रॉयड सेट में नया अपडेट नहीं आता है जो कि हम चाहते हैं, और हर कोई चाहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एंड्रॉयड सेट हम ले रहे हैं तो जो नए अपडेट आ रहे हैं उस एंड्रॉयड सेट में अगर मिल जाती है तो हम नए सेट नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। नए मोबाइल के साथ नई अपडेट आती है, वो अपडेट हमारे पुराने एंड्रॉयड सेट में नहीं मिलती, जिसके कारण हमको मजबूरन नए मोबाइल को लेना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है कि इस अक्टूबर में कौन सा मोबाइल आने वाला है, कब लॉन्च करने वाला है, इसकी हम कुछ आपको जानकारी दे दें। जी हाँ दोस्तों, इस बार मोबाइल की नंबर है ASUS ZenFone 7 Pro स्मार्टफोन। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा मोबाइल आ रहा है। इसमें काफ़ी आपको फैसिलिटीज़ मिल सकती है दोस्तों। जैसे कि हम आपको बता दें, ASUS ZenFone 7 Pro स्मार्टफोन एक मॉडलिंग डिस्प्ले में दे रहा है जो कि 165 mm इंटू 77 mm इंटू 9.6 mm एंड वेट 213 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये मोबाइल है। और इसकी स्क्रीन की बात बताएं तो स्क्रीन है 1080x24। जी हाँ दोस्तों, फुल HD से अच्छा आपको स्क्रीन मिल रहा है दोस्तों। और कैमराज की बात करें तो फ्रंट कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल मिल जा रहे हैं दोस्तों। वाइड एंगल प्राइम कैमरा मिल रहा है, 12 मेगापिक्सल आपको मिल रहा है, वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड एंगल भी मिल रहा है, फिर 8 मेगापिक्सल मिल रहा है कैमरा बहुत ही अच्छा है, फिर 64 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का आपको पिक्चर क्वालिटी के साथ डिजिटल जूम देता है, ऑटो फ्लैश देता है। उसके बाद कैमरा कहने का मतलब कमाल का कैमरा है दोस्तों। और इसके बारे में और कुछ हम आपको जानकारी दे दें तो यहाँ पे अब बात करते हैं हम बैटरीज की। तो बैटरी 5000 mAh की मिल रही है दोस्तों। यहाँ बैटरी बैकअप भी यहाँ भी बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है। 5000 mAh की बैटरी मिल रही है इसकी ASUS ZenFone 7 Pro स्मार्टफोन। प्राइस इन इंडिया स्केल टू बी RS 71,000। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा मोबाइल है, लेकिन कीमत भी इसका बहुत ही अच्छा खासा मिल रहा है। तो अगर आपके हिसाब से ये मोबाइल है तो ले सकते हैं, मोबाइल बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसकी प्राइस भी कम नहीं है, प्राइस भी बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ आपको मोबाइल तो मॉडलिंग मिलना ही है दोस्तों।
और उसके बाद ये लंच कब हो रही ये हम आपको बता दें। यहाँ पे लंच जो है वो नवंबर में मिलेगा, 20 नवंबर 2020 को डेट इसका रखा गया है लंचिंग का। जी हाँ दोस्तों, Asus ZenFone 7 Pro सीरीज का ये जो मोबाइल है वो 20 नवंबर का, और यही Asus ZenFone 7 जो है प्रो को हटा दें, 7 है वो आपको मिल जाएगा अक्टूबर में। उसकी प्राइस हम आपको बता दें, उसकी प्राइस आपको सिर्फ 39,000 है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी महंगा मोबाइल लग रहा है दोनों का दोनों। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।